कलम खाना पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या होगा? ये संतत होगा, यानी कंटिन्यूअस हो जाएगा। ग्राफ से सिंपल समझना है, ग्राफ में क्या होगा कि यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं, पॉइंट है यानी होल्ड डोमेन, यदि हम ट्रेवल कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो कहीं जंप करना नहीं पड़े या कहीं गैपिंग ना मिले, तो वहाँ क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि इसमें कोई गैपिंग नहीं, यहाँ से अगर हम से चलिए, ये कंटिन्यूअस हो गया। इसमें भी देखिए कोई गैपिंग है, कोई गैपिंग नहीं, ये भी क्या देगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये भी क्या देगा? कंटिन्यूअस। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक आते हैं, यहाँ पर गैपिंग हो गया ना, ये बीच में क्या है? गैपिंग है। इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस क्या हुआ? नहीं हुआ है। एक्स इक्वल टू ए मान लेते हैं, यहाँ पर ये कंटिन्यूअस क्या हुआ? नहीं होगा। यानी यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट तक कंटिन्यूअस, लेकिन होल ग्राफ में देखा जाए तो एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पर गैपिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? गैपिंग है, यहाँ पर इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का कैलकुलस, मैथ में कैलकुलस पढ़ना शुरू करते हैं, आवाज से ही कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है। और कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है, जैसे पहले कंटिन्यूटी है, फिर डिफ्रेंशिएबिलिटी है, फिर डिफ्रेंशिएशन का नियम पढ़ना होगा, डिफ्रेंशिएशन कैसे किया था फंक्शन का वो पढ़िएगा, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ना होगा, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन चलेगा, इंटीग्रेशन में दोनों रहेगा, इनडिफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना सारा सब किस में आएगा? कैलकुलस में आएगा। यानी मैथ का देखा जाए तो आधा भी क्या पढ़ना आपका? कैलकुलस में ही, आधा फर्स्ट पार्ट में है, आधा क्या है? सेकेंड पार्ट में, मैथ में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्टिंग दिन है आज है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के बारे में आज चर्चा करते हैं, दो दो टर्म इसमें, कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी। तो पहले हम किसका चर्चा करेंगे? कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी जिसको हिंदी में सांतत कहते हैं, कंटिन्यूटी होता है क्या, पहले ये समझिएगा। अच्छा, कंटिन्यूटी वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो लगातार चलते रहे, कभी नहीं रुके, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी। ऐसा भी बोलते हैं कि लगातार कंटिन्यू काम करते रहो, कंटिन्यू काम करते रहो, कंटिन्यू पढ़ते रहो, जब तक बोले नहीं बैठने के लिए, जब तक बैठना नहीं, कंटिन्यू क्या होता है अपना, पढ़ते रहो, है ना। तो कंटिन्यूटी का मतलब ही चाहता है कि जो चीज़ क्या हो रहा है आपका, लगातार हो रहा। लेकिन यहाँ पर काम से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब किससे? फंक्शन से मतलब है। किससे है आपका? फंक्शन से। और जब फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ आ जाता है, एक डोमेन आ जाता है, वो क्या आता है? रेंज आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर मतलब किससे रहेगा? फंक्शन से, फंक्शन। अब फंक्शन में दो हो जाता है, एक डोमेन, एक टर्म जानते हैं डोमेन बोलते हैं, और एक टर्म को क्या बोलते हैं? रेंज कहते हैं। डोमेन का मतलब क्या है? इसी को फंक्शन लेते हैं, सपोज मानते हैं y इक्वल टू f(x) से, y इक्वल टू क्या है? f(x) से। तो x का जो वैल्यू होगा वो डोमेन कहलाएगा, x का जो वैल्यू रहेगा जिस पर एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। और जो y का वैल्यू होगा, जो y का वैल्यू रिजल्ट जो मिलेगा, जैसे x का वैल्यू रखेंगे तो y तो मिलेगा ही, तो वो क्या कहला जाएगा? वो रेंज कहला जाएगा। जो y का वैल्यू जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? रेंज। डोमेन ही और रेंज समझ में आ रहा है। तो कोई भी फंक्शन जो अपने डोमेन में हो, कहाँ? अपने डोमेन में, डोमेन से बाहर नहीं, क्योंकि फंक्शन डिफाइन किसके अंदर कर होता है? डोमेन के अंदर ही रहेगा, जो उसके वैल्यू रख सकते हैं एक्स का मान, उसी के अंदर ही क्या होता है? डिफाइन होता है, परिभाषित होता है। तो कोई भी फंक्शन जो अपने क्या हो, डोमेन में हो, और यदि उसका ग्राफ खींचा जाता है, ग्राफ खींचने के बाद कहीं पर ब्रेकिंग ना हो या तो कहीं पर जंप ना हो ना, तो वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा। ये ग्राफ की मदद से ना, यानी इसको हम पहले ग्राफ को समझ आते हैं, किसका? कंटिन्यूटी को, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या हुआ, जैसे कि देखिए एक ग्राफ हमने खींचे यहाँ पर, दो तीन ग्राफ ले चलते हैं, एक ग्राफ ये हो गया, ठीक है, दूसरा ग्राफ हमने ऐसा खींचे, ये दूसरा ग्राफ हो गया, तीसरा ग्राफ हमने ऐसा खींचे, इस तरह से तीसरा ग्राफ हो गया, चार नंबर का ग्राफ जो है ऐसा खींचा है, ये चौथा ग्राफ हो गया। चारों ग्राफ का थोड़ा सा गौर से देखना है, ये इस ग्राफ में जानते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, ये क्या होता है? एक्स एक्सिस, तो लेकिन जरूरत है नहीं। इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक यदि चलिएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब दोनों एंड पॉइंट तक जाइएगा, तो जाने में कहीं कलम उठाना पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना, तो ये क्या होगा? ये संतत होगा, यानी कंटिन्यूअस हो जाएगा। ग्राफ से सिंपल समझना है, ग्राफ में क्या होगा कि यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, पूरा एंड पॉइंट है, यानी होल डोमेन में यदि हम ट्रेवल कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो कहीं जंप करना नहीं पड़े या कहीं गैपिंग ना मिले, तो वहाँ क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? जैसे कि इसमें कोई गैपिंग नहीं, यहाँ से अगर हम आराम से चलिए, ये कंटिन्यूअस हो गया। इससे भी देखिए कोई गैपिंग है,
वो एक गैपिंग नहीं, ये भी क्या देगा कंटिन्यूस हो जाएगा, ये भी क्या देगा कंटिन्यूस। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक आते हैं, यहाँ पर वो गैपिंग हो गया ना, हो गया ये बीच में क्या है गैपिंग है, इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूस क्या हुआ नहीं हुआ है। एक्स स्क्वायर टू ए मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कंटिन्यूस क्या हुआ नहीं होगा, यानी यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंटिन्यूस है, इस पॉइंट तक कंटिन्यूस, लेकिन होल ग्राफ में देखा जाए तो एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पर गैपिंग हो रहा है, क्या हो रहा है गैपिंग है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है। इसमें बोलते हैं एक्स इक्वल टू ए पर जो है डिसकंटिन्यूस, क्या है डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, कोई दिक्कत नहीं। इस ग्राफ की बात करते हैं तो देखिए इधर चलिए, यहाँ तो ठीक है लेकिन इधर से जंप करना पड़ेगा तभी नहीं जा सकते आगे, तो यहाँ पर क्या होगा इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। तो ग्राफ में समझना बड़ा आसान है कि कौन सा कंटिन्यूस होगा और कौन सा क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा, समझना ना। यदि ग्राफ बनाने के लिए आ गया तो कोई फंक्शन को आसानी से समझ सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है कि क्या है डिसकंटिन्यूस है। अब डिसकंटिन्यूस है भी तो कहाँ पर किस पॉइंट पर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राफ द्वारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग द्वारा कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस समझने के लिए हमें ग्राफ खींचने के लिए आना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं। जैसे कुछ स्पेशल फंक्शन लेके चलते हैं और उसका ग्राफ खींच खींच के देखते हैं कि कंटिन्यूस है कि क्या है डिसकंटिन्यूस, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ज्योमेट्री अभी क्या समझे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग के अनुसार कंटिन्यूटी क्या होता है, कौन सा फंक्शन का मीनिंग होता है। तो इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ क्या फंक्शन, फंक्शन इज कर्व, क्या है कर्व, कर्व नहीं समझते ना, यदि फंक्शन का ग्राफ क्या हो कर्व है ना, विदाउट ब्रेक एंड गैपिंग है ना, कर्व है लेकिन विदाउट क्या है विदाउट ब्रेक, ब्रेक्स बोल सकते हैं या तो फिर जंप बोल सकते हैं, जंप्स या फिर गैपिंग, या क्या बोल सकते हैं गैपिंग, समझे विदाउट ब्रेक जंप या तो फिर क्या हो गया गैपिंग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूरा कहाँ तक थ्राउ आउट इट्स डोमेन, थ्राउ थ्राउ आउट इट्स क्या हो गया डोमेन, यानी हिंदी में समझिए कोई भी फंक्शन का कर्व, कोई फंक्शन का ग्राफ यदि कर्व हो और कर्व के बाद अपने पूरे डोमेन में यदि कहीं पर गैपिंग नहीं हो या कहीं ब्रेक नहीं हो या कहीं पर आपका क्या जंप ना करता हो तो वो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, वो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस है ना, देन द फंक्शन इज कॉल्ड क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, देन द फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है ना, कंटी क्या न्यूस आईसी को बोलते हैं, प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं कंटिन्यूटी करते हैं, क्या करते हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूस फंक्शन समझ में आ गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग से, यदि गैपिंग नहीं है तो क्या होगा कंटिन्यूस होगा, जहां पर गैपिंग हो गया वहां पर कंटिन्यूस क्या होगा नहीं होगा, समझना था ना। तो कोई भी फंक्शन दिया जाएगा कहेगा कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है तो उसे हम कैसे चेक करेंगे, पहले ग्राफ खींचेंगे है ना, उसके बाद ग्राफ में देखेंगे कहीं पर गैपिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं जंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्राफ के अलावा भी और एक विधि होता है, एल्जेब्रिक मेथड से भी चेक किया था कि कंटिन्यूटी है या नहीं है, लेकिन पहले ग्राफ का डिस्कस कर लेते हैं तब उस मेथड का डिस्कस करेंगे, समझ में आ रहा है। जैसे कि कुछ एग्जांपल पे एक में मान लेते हैं y इक्वल टू fx दिया हुआ है, y इक्वल टू fx इक्वल टू लिखा हुआ है वो मोड ऑफ x है, इसका चेक करना है कंटिन्यूटी है कि नहीं है, इसका डोमेन रियल नंबर होगा, डोमेन क्या होगा डोमेन रियल नंबर है r, रियल नंबर का मतलब प्लस माइनस सब, ये कंटिन्यूटी होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका हमें ग्राफ खींचना है, क्या करना है ग्राफ, ये मॉडुलस फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है पता है, ये है मॉडुलस फंक्शन, पढ़े होंगे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार से होता है, ये हो गया मॉडुलस फंक्शन ग्राफ है ना, इधर एक्स डैश ऊपर बाई नीचे क्या हो गया बताइए, इस फंक्शन में कहीं पर गैपिंग है नहीं, कहीं भी गैपिंग नहीं है, ये क्या होगा कंटिन्यूस, यहाँ पर गैपिंग भी नहीं है, यहाँ पर ग्राफ मुड़ रहा है, इस पॉइंट पर ग्राफ क्या हो रहा है एक्स बराबर जीरो पर मुड़ रहा है, यहाँ पर डॉट हो सकता है ना कि कंटिन्यूस है या नहीं है, तो देखिए यहाँ पर जहाँ मुड़ रहा है वही देखना है ना,
ये तो सीधा चल ही रहा है, सीधा चल वेट कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें डाउट है, शंका है कि हो सकता है टूटल रहे, नहीं सकता हो सकता ग्राफ यहाँ पर क्या टूटा हुआ, तो यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, तो चेक करने से पता चला, देखने से बढ़िया से पता चला कि यहाँ पर टूटा हुआ नहीं है, ये कंटिन्यूस हो गया, ये क्या है कंटिन्यूस, यानी x बराबर जीरो पर ये क्या है कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा घंटा जो फंक्शन लेते हैं बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लेते हैं, क्या होगा ये कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा, इसका चेक करना है। तो साइन एक्स का ग्राफ आता है खींचने के लिए, कैसा होता है साइन एक्स का ग्राफ जानते हैं, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चलेगा नहीं, ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ, कोई दिक्कत कहीं पर गैपिंग लग रहा है नहीं, तो ये भी क्या होगा हमेशा कंटिन्यूस होगा है ना, यहाँ ये भी क्या होगा डोमेन, इसको भी ले चलते हैं आर डोमेन, इसका भी कह लीजिएगा डोमेन, तो रियल नंबर कोई पॉइंट पर देख लीजिए तो सब सभी पॉइंट पर ये क्या हुआ कंटिन्यूस है, क्योंकि कहीं पर कोई गैपिंग है ही नहीं, समझ में आ रहा है। दूसरा जो हम लेकर चलते हैं एफ एस स्क्वायर टू इस तरह से ना, एफ एस स्क्वायर टू हो जाएगा यहाँ पर एक्स, चलिए अलग ढंग से लेते हैं, एफ एस स्क्वायर टू हो गया मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, मोड ऑफ एक्स अपॉन क्या हो गया एक्स रहेगा, और दूसरा हो गया जीरो हो गया, ये कब होगा जब एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये कब होगा जब एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तब इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें दो दो फंक्शन मिला हुआ है, एफ एस इक्वल टू मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स और जीरो है, इसमें क्या है दो दो फंक्शन मिला हुआ है, इसका जो ग्राफ खींचते हैं तो किस तरह से आता है ग्राफ पता है, देखिए एक्स इक्वल टू जीरो है और एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या है जीरो है, इसका ग्राफ खींचेगा तो आपका इस तरह से रहेगा ग्राफ, यहाँ पर ऐसे ऐसे रहेगा, एक वो तो जीरो पर ऐसे डार्क रहेगा ही समझ रहे ना, और उसके बाद इस प्रकार से रहेगा और इस प्रकार से, और एक ऊपर की हो जाएगा एक बाई कल टू प्लस वन माइनस वन देगा, ठीक है इस तरह से रहेगा ग्राफ, दिख रहा है नीचे नहीं दिख रहा है, ये जीरो पर हो गया और एक रहेगा ग्राफ जो इधर की हो जाएगा प्लस वन है, यदि ले रहे प्लस वन ले रहे एक्स का मान बाय के मान वन आएगा प्लस ले तो बाय एक इधर होगा और एक जो ग्राफ होगा इधर की होगा, इससे ग्राफ ऐसा खींचाएगा कैसे वो समझिए, जब एक्स का मान ले रहे पॉजिटिव में कोई भी दो तीन चार पाँच रख रहे तो इधर आएगा क्या आएगा इधर आएगा, अब दो रखे दो बटे दो क्या होगा एक, चार लीजिए तो चार बटे चार क्या होगा एक, पाँच इधर पाँच बटे पाँच क्या होगा एक, यानी ऊपर जो बाई जो जाएगा बाई जाएगा हमेशा क्या रहेगा एक के सब एक पर ही रहेगा पॉइंट सभी क्या रहेगा एक पर ही रहेगा, माइनस में ले रहे हैं माइनस दो ले रहे तो माइनस दो का मॉडुलस और बटे माइनस दो क्या आएगा कटकर माइनस एक होगा, माइनस चार रखे तो भी माइनस एक होगा, माइनस दस है तो भी माइनस क्या होगा एक, तो इधर हो गया माइनस एक इधर हो गया बाई का मान नीचे माइनस एक होगा और इधर की ओर आएगा निगेटिव वाले, ये ग्राफ ऐसा खींचाएगा, ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, आप अभी ग्राफ देखकर ग्राफ खींचने के लिए सीखना है, अभी आगे बताएंगे ना कैसे ग्राफ खींचाता है, या एलेवंथ क्लास में पढ़ेंगे ग्राफ खींचने के लिए अलग अलग टाइप के फंक्शन का, तो यहाँ पर हमें केवल क्या सीखना है क्या देखना है ग्राफ देखकर ही बताना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है, तो कंटिन्यूस ही हुआ कि नहीं हुआ नहीं होगा, एक्स बराबर जीरो पर गैपिंग है ना है कि डिसकंटिन्यूस हुआ, ये क्या होगा ये फंक्शन होगा एक्स बराबर जीरो पर ये डिसकंटिन्यूस हो गया डिसकंटिन्यूस है ना, एक्स बराबर जीरो पर क्या हो गया डिसकंटिन्यूस हुआ, कोई दिक्कत नहीं आता क्या, यानी यहाँ इससे क्या समझ रहे कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो उस फंक्शन को पहले हमें ग्राफ खींचना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग से देखने के लिए, पहले हमें क्या करना है ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, अगर ग्राफ में गैपिंग नहीं है तो कंटिन्यूस और गैपिंग आ गया तो डिसकंटिन्यूस हो गया, तो इसके लिए हमें ग्राफ खींचना ही पड़ेगा तभी उपाय है ना, और नहीं बिना ग्राफ खींचे हुए बनाना तो उसका फिर अलग नियम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक लिखिए कुछ खाली फंक्शन लेट आने का नतीजा है, जैसे कि मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ा सा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू हो गया इस प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका यदि ग्राफ खींचते हैं ना तो ग्राफ खींचते हैं तो ऐसा आएगा, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ग्राफ खींचा जाए तो किस प्रकार से आएगा, जब एक्स का मान जीरो रखेगा बढ़ाया थे इसका इसका चार्ट बनाते हैं बाई कल टू लिखाता है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स यहाँ पर लिखा है, पहले इधर एक्स का मान रखना है इधर होगा बाई कल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा एक्स हो जाएगा, अब एक्स का मान यदि रखिएगा जीरो से जैसे के लिए माइनस टू से लेकर रख रहे हैं एक्स का मान माइनस टू से एक तक है ना, माइनस टू से माइनस कर ले रहे हैं
एक तक, इधर बड़ा या बराबर उधर छोटा रहेगा ना, तो इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा बाई का मान, बाई का मान जो होगा वो आएगा ग्रेटेस्ट में माइनस टू आएगा, क्या आएगा माइनस टू। यदि एक्स का मान ले रहे माइनस एक से बड़ा या बराबर और जीरो से छोटा ले रहे, जीरो से क्या ले रहे छोटा, इधर ग्रेटेस्ट इक्वल टू और इधर केवल लेस देन होगा, इसका जो वैल्यू आता है क्या आता है माइनस एक आएगा। यदि जीरो से बड़ा या बराबर एक्स वन से छोटा ले रहे हैं तो इसका क्या आएगा जीरो आएगा। इसी प्रकार यदि वन से बड़ा या बराबर एक्स ले रहे हैं और दो से छोटा ले जाते हैं यहाँ पर क्या आएगा एक आएगा। इस प्रकार से इसका चार्ट पहले बनाया जाता है, इलेवेंथ क्लास में सब पढ़ाया है। अब बताइएगा जीरो, जब माइनस जीरो से वन गया तब जीरो वैल्यू हुआ है ना, तो जीरो से वन ये जीरो पर डार कीजिएगा, इधर वन हुआ तो वन पर ऐसे खाली कीजिए, ये ग्राफ हो माइनस वन से जीरो तो माइनस वन आएगा ना, इधर माइनस वन मान के यहाँ पर है तो यहाँ पर डार कीजिएगा और यहाँ पर क्या कीजिएगा खाली कीजिएगा, माइनस टू से माइनस वन तो माइनस टू पर आएगा, इधर खाली रहेगा इधर फिर क्या रहेगा डार कीजिएगा, समझ में आ ना, इधर चलना इस तरह चलना है। क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ डिसकंटिन्यूअस है सभी इंटीजर पर, क्या है सभी इंटीजर पर, इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ, इसने ग्राफ इसने किया है तो क्या दिखाना है कि सभी इंटीजर पर ये क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से कोई भी फंक्शन रहेगा तो पहले उसका ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींचकर देखना है कि कंटिन्यूअस है कि क्या है डिसकंटिन्यूअस है। जैसे कि अगला क्लास ले चलते हैं, मान लेते हैं एक बाय एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया टेन एक्स, टेन एक्स का ग्राफ आता है किसी नहीं आता है जानते हैं ना, टेन एक्स का ग्राफ जो खींचेगा तो इस तरह से खींचाएगा, देखिए ये हो गया जीरो, यहाँ लेना है पाई बाई टू और फिर लेना है पाई और फिर लेना है थ्री पाई बाई क्या लीजिए टू, फिर इधर हो गया क्या हो गया माइनस पाई बाई टू, अब फिर हो गया माइनस पाई अब फिर माइनस कर देगा थ्री पाई बाई टू। आप एक जाने टेन कितना डिग्री का मान, टेन एक्स को आप लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस नब्बे डिग्री बराबर होता है जीरो नहीं होता है, और कॉस नाइन्टी डिग्री जीरो हो गया तो नीचे जीरो का तो टेन अनडिफाइन हो जाएगा, तो जहाँ पर 90 के टर्म में है रिजेंबल कर रहा है जहाँ पर सिमिलरिटी है वहाँ पर ऐसे करके लगाना है, यानी यहाँ पर भी कॉस जीरो होगा, इस पर भी कॉस क्या होगा जीरो होगा, इस पर भी कॉस क्या होगा जीरो होगा, इस पर भी कॉस क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे रहेगा, देखिए इस तरफ से ग्राफ खिंचाएगा टेन का, इस तरह से ग्राफ खींचेगा। अब इस ग्राफ में देखना है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है क्या है डिसकंटिन्यूअस, ये भी ग्राफ ये भी क्या है डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस। अब कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस ये है पता ही है, इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, देखिए यहाँ तो ठीक आ रहा है ना, यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, हो गया जहाँ रेड वाला है यहाँ पर ठीक आ रहा है, रेड का क्या होगा गड़बड़ हो गया गैपिंग हो गया, गड़बड़ का मतलब गैपिंग हो गया तो वहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा, तो गैपिंग कहाँ कहाँ पर हो रहा है तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पर ही हो रहा है, ऑड नंबर अच्छी पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, पाई बाई 2 का क्या है ऑड मल्टीपल, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई क्या हो गया 2 हो गया, जहाँ पर n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू क्या रहेगा z, इस पॉइंट पर ये क्या हो जाए डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं है। तो हमें अभी सीखे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही सीखे केवल कंटिन्यूटी का, ग्राफीय विधि से ही सीखें केवल कंटिन्यूटी है या कंटिन्यूटी नहीं है निकालने के लिए, जिसके लिए पहले ग्राफ खींचना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब चलेंगे एल्जेब्रिक मेथड से, मतलब ग्राफ वहाँ पर ज्योमेट्रिक ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बिना ग्राफ खींचे हुए बता दीजिएगा कि कंटिन्यूटी है कि क्या है पर डिसकंटिन्यूटी है, तो ये नेक्स्ट क्लास में होगा। चलिए पिछले क्लास में हम जो कंटिन्यूटी पढ़ाए थे वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के आधार पर बताया था कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, इसका सिंपल कंसेप्ट था कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसका सबसे पहले क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिर देखना है कि उस डोमेन के अंतर्गत कहीं पर यदि गैपिंग है तो वो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस उस पॉइंट पर नहीं होगा,
और यदि गैपिंग नहीं रहेगा तो उस डोमेन में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो रहा है, या तो फिर उस ग्राफ पर चलने में यदि कहीं पर जंप करना पड़ रहा हो तो कंटिन्यूस नहीं होगा उस पॉइंट पर, और यदि कहीं भी जंप करना नहीं पड़ रहा तो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग बड़ा आसान था, एग्जाम्पल भी तरह तरह के लिए थे ना। चलिए इसमें यदि दिक्कत है तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरा तरीके से चलते हैं दिखाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज यहाँ का अलग तरीका से समझना है, जैसे कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान ली फंक्शन है एफ एक्स, कोई फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है यदि लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए हो। देखिए दूसरा तरीका से कंटिन्यूटी का एक सरल तरीका है, सिंपल तरीका है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स रहेगा, एकदम आसानी तरीका से समझना है, इतना आसानी से कि कोई भी प्रॉब्लम रहे आराम से बता सकते हैं कि कंटिन्यूस है या नहीं। जैसे कोई भी फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ और चेक करना है हमें कहाँ पर, एक्स इक्वल टू ए पर चेक करना है, तो सिंपल क्या देखना है, यदि लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए हो रहा है तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बस थोड़ा सा कंसेप्ट, इतना बराबर इतना हो गया तो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो जाएगा। यानी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें लिमिट आना चाहिए ना, लिमिट कैसे निकाला जाता है ये हमें आना चाहिए, तभी हम कंटिन्यूटी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर तब होगा जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब, है ना, जब ये लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा तभी होगा ना। यानी इसका मतलब क्या होना चाहिए कि लिमिट जो है एक्स टेंड टू ए एफ एक्स ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ये क्या कहना आपका, एग्जिस्ट करना चाहिए, ये एग्जिस्ट करेगा तभी ये क्या होगा, इसके इक्वल हो सकता है, जब एग्जिस्ट करेगा ही तो इक्वल होगा नहीं होगा। अब एग्जिस्ट के लिए क्या होता है पता है, एग्जिस्ट के लिए जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ एक्स होना चाहिए, यानी एल एच एल बराबर क्या होना चाहिए, आर एच एल, लेफ्ट हैंड का लिमिट राइट हैंड के लिमिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब वो लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और जब वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा और एग्जिस्ट करने के बाद यदि एफ ए के बराबर हो गया तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगी। समझ रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल दिया तो हमें पहले क्या देखना है, लिमिट निकालना है, लिमिट उसी का निकलेगा जो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, जो लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट वही करेगा जिसमें क्या होगा, लेफ्ट एल एच एल इसको बोलते हैं एल एच एल, इधर वाला को एल एच एल करते हैं, क्या बोलते हैं आर एच एल, जिसमें एल एच एल आर एच एल के बराबर होगा वही लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे हैं, और जब लिमिट एग्जिस्ट कर दिया तो लिमिट का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर अलग से निकालना एफ ए, दोनों का वैल्यू यदि इक्वल आ रहा है, दोनों का वैल्यू क्या रहा है, इक्वल आ रहा है, तो वो फंक्शन क्या होगा उस पॉइंट पर, कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस क्या होगा, नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी का सिंपल कंसेप्ट हो गया, समझ में आ रहा है। तो जितना भी प्रॉब्लम इसमें रहेगा, कोई फंक्शन दिया रहेगा और उस पर कोई पॉइंट दिया रहेगा जो डॉट पॉइंट कहलाता है, डॉट पॉइंट का मतलब उस पर हमें शंका है कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, तो जितना भी फंक्शन रहेगा उसमें क्या रहेगा, फंक्शन दिया, जितना भी प्रॉब्लम है सभी फंक्शन दिया रहेगा और क्या रहेगा, डॉट पॉइंट रहेगा, और उस डॉट पॉइंट पर चेक करना होगा कि कंटिन्यूअस है या नहीं। समझ में आ रहा है, जो डॉट पॉइंट दिया रहेगा उसी पर हमें चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं, उस पर कंटिन्यूअस है तो सदा के लिए कंटिन्यूअस, उस पर कंटिन्यूअस नहीं है तो सदा के लिए क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिसकंटिन्यूअस किस किस कंडीशन में होगा वो देखना होगा, तो जिस कंडीशन में कंटिन्यूअस नहीं होगा उस कंडीशन में क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे कि देखिए डिसकंटिन्यूअस की यदि बात करते हैं, डिसकंटिन्यूअस इसको हिंदी में बोलेगा असंतत, और क्या हो गया, संतत। डिसकंटिन्यूअस कब होगा जो देखना है, जहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा वहाँ पर होगा। यानी इसका लिए पहला कंडीशन होना चाहिए डिसकंटिन्यूअस के लिए कि लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, एफ ए, ये होना चाहिए। यदि दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, या ऐसे नहीं हो रहा है तो ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ए ये क्या होगा, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ एक्स क्या हो गया, ये डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ये कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा। समझ रहे ना, जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा।
और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या होगा कि लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स यहाँ पर माइनस कर देते हैं रियल एच एल डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a यहाँ पर प्लस कर दे एफ एक्स दोनों लिमिट इक्वल क्या होगा नहीं होगा एल एच एल आर एच एल के बराबर क्या होगा नहीं होगा इसको एल एच एल बोलते हैं एल एच एल इसको क्या बोलते हैं आर एच एल एल एच एल आर एच एल के बराबर क्या होगा नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस होगा तो यहाँ पर जो हमने डिसकंटिन्यूटी जो चेक किए हैं यानी जिस पर कंटिन्यूस नहीं बता रहा वो पॉइंट क्या है ए है पॉइंट क्या है फंक्शन एफ एक्स है फंक्शन क्या है एफ एक्स है और पॉइंट क्या यहाँ पर है ए है तो इस पॉइंट को जो ए पॉइंट है उसको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं ए को क्या बोलेगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी समझ में आ रहा है पॉइंट ऑफ क्या जगह डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा है ना जिसको हम असांतत्य बिंदु कहते हैं असांतत्य बिंदु पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूटी का देखा जाए तो ज़्यादा लंबा कंसेप्ट नहीं बस छोटा सा कंसेप्ट है क्या कंसेप्ट छोटा सा है एफ ए निकालना है और लिमिट निकालना है दोनों का वैल्यू इक्वल होगा तो कंटिन्यूस होगा इक्वल नहीं होगा तो कंटिन्यूस नहीं होगा बस यही कंसेप्ट है लेकिन अब सवाल उठता है कि लिमिट कैसे निकलता है तो लिमिट आपको पिछले क्लास 11th क्लास में पढ़ना था लिमिट निकालने के लिए यदि लिमिट निकालने के लिए जानते हैं तो ठीक है नहीं जानते तो फिर अलग से लिमिट पढ़ाएंगे ना तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है अब कोई फंक्शन दिया रहेगा जिसे भी लेकर चलते एग्जाम्पल इसको नोट कीजिए चलिए देखिए तो कंटिन्यूटी के लिए क्या करना है क्या दिखाना पड़ेगा कोई भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा सबसे पहले जैसे कि फंक्शन एफ एक्स है फंक्शन क्या है एफ एक्स इसको साइड में लिखते हैं फंक्शन एफ एक्स है पॉइंट ए है पॉइंट क्या है ए है तो आपको यही दिखाना होगा लिमिट एक्स टेंड टू ए लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए एफ ए होना चाहिए इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट इसका मतलब होगा लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ एक्स आर इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ एक्स आर इक्वल टू एफ ए इक्वल टू क्या होगा एफ ए क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब इतना बराबर क्या होगा इतना यानी इसको एल एच एल बोलते हैं देखिए निगेटिव लिए बाएं तरफ से इसको एल एच एल कहते हैं इसको क्या बोलेगा आर एच एल जब एल एच एल आर एच एल बराबर होगा तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा और ये इसके बराबर ये दोनों भी क्या होगा इसके बराबर क्योंकि इसी का दोनों टुकड़ा है ना ये इसके बराबर तीन दोनों क्या होगा इसके बराबर यानी कुछ फंक्शन में ऐसा भी रहेगा कि उसमें तीनों निकालना पड़ेगा है ना और तीनों इक्वल होगा तभी क्या होगा एग्जिस्ट करेगा कुछ में है कि तीनों निकालने की जरूरत नहीं डायरेक्ट ये निकालना है और ये निकालना है दोनों इक्वल हो रहा तो वहाँ पर क्या होगा अच्छी कंटिन्यूस हो जाएगा बात समझ में आ रहा है जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक्स इक्वल टू वन पर एग्जाम्पल है एक्स इक्वल टू वन पर यानी फंक्शन जो है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन क्या ले रहे एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री की कंटिन्यूटी थ्री की क्या हो गया कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी का जांच करें यही क्वेश्चन है एक पॉइंट दिया हुआ एक्स इक्वल टू वन पर फंक्शन जो एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस क्या है थ्री की कंटिन्यूटी का जांच करना है टू एक्स प्लस क्या है थ्री की कंटिन्यूटी का जांच करना है तो हमें करना कुछ नहीं फंक्शन देखिए पहले क्या लिखा हुआ उसको लिख दीजिए फंक्शन यहाँ पर दिया एफ एक्स है एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस क्या है थ्री है ये कौन सा फंक्शन है पता है एलजेब्रिक फंक्शन क्या ये है एलजेब्रिक या पॉलीनोमियल फंक्शन ही बोल सकते हैं ये पॉलीनोमियल फंक्शन है पॉलीनोमियल फंक्शन सभी पॉइंट पर क्या होगा एग्जिस्ट करता है पॉलीनोमियल फंक्शन सभी पॉइंट पर क्या करता है एग्जिस्ट करता है और सभी पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होता है याद रखना है ऐसे भी आगे जैसे कि अभी तो प्रूफ कर रहे हैं लेकिन आगे चलकर प्रूफ नहीं कर रहा डायरेक्ट बता देना कि पॉलीनोमियल फंक्शन है तो हमेशा क्या होगा कंटिन्यूस हर एक पॉइंट पर दुनिया कोई पॉइंट पर क्या होगा कंटिन्यूस होगा तो वन पर तो भी हो जाएगा वन पर भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा बात समझ में आ रहा है लेकिन यहाँ पर हमें भी दिखाना है चलिए ठीक है तो ये फंक्शन हो गया पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ बताइए तो ए एक्स इक्वल टू वन है एक्स इक्वल टू ए बराबर वन क्योंकि जो पॉइंट होता है वही होता है ना तो क्या हो गया वन हो गया तो पहले निकालना है यहाँ पर देखिए लिमिट एक्स टेंड टू वन एफ एक्स
एक एग्जाम्पल क्या रखा है वन, यानी एक्स टेन टू एफ एक्स इक्वल टू कर दीजिए लिमिट एक्स टेन टू वन और क्या होगा एफ एक्स। अब बराबर लिखे लिमिट एक्स टेन टू वन एफ एक्स पर क्या रखेगा टू एक्स प्लस क्या होगा थ्री। लिमिट सॉल्व करने के लिए आता है डायरेक्ट रख दीजिए क्योंकि डायरेक्ट रखने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा है, आ रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा डायरेक्ट वैल्यू आप रख सकते हैं। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है उसके बारे में देखना है तो देखिए हाँ इनडिटरमिनेट फॉर्म किसको बोलते हैं पता है इनडिटरमिनेट मिनट फॉर्म मतलब यदि जीरो बटे जीरो आ रहा है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। कोई कॉन्स्टेंट बटे जीरो आ रहा है ए बटे जीरो आ रहा है तो वो भी क्या होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा ना। यदि इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी आ रहा है तो वो भी क्या होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। इस तरह से यदि आता है तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में कहलाता है। समझ में आ रहा है तो ये तो नीचे नीचे तो कुछ है ही नहीं है तो नीचे जीरो आ रहे का सवाल ही नहीं तो डायरेक्ट रख दीजिए तो क्या रखा गया दो गुने एक एक्स पर वन हो जाएगा ना और प्लस क्या हो गया थ्री तो तीन दो कितना हो जाएगा पाँच। यानी लिमिट एक्स टेंड टू वन का मतलब क्या निकल गया पाँच। इसका वैल्यू क्या निकल गया पाँच निकल गया। समझ में आ रहा है अब डायरेक्ट निकालना है एफ वन क्या एफ क्या निकालना है एफ एफ ए का मतलब एफ वन और एफ वन का मतलब कहाँ जहाँ जहाँ पर एक्स रहे वहाँ पर क्या रखा गया वन रखा गया यही ना तो टू गुने वन और प्लस थ्री तो यहाँ भी क्या आ गया पाँच आ गया यहाँ भी क्या आ गया पाँच। तो आपने क्या देख रहे सिंस लिमिट एक्स टेन टू वन एफ एक्स इक्वल टू क्या है एफ वन है क्या है एफ वन तो अतः क्या बोल सकते हैं एफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू वन पर क्या है संतत है यानी कंटिन्यूअस है कंटी क्या है न्यूअस यानी संतत है कोई दिक्कत नहीं है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यही तरीका है तो हमें चेक उसी पॉइंट पर करना है जिस पर डाउट है ना। तो डॉट आपको किस पर कर रहा है एक्स इक्वल टू वन पर कर रहा है इस पर कंटिन्यूस कोई दिक्कत है नहीं तो करना क्या चेक करने के लिए बस लिमिट निकालना है और उस पॉइंट पर वैल्यू निकालना है दोनों बराबर हो गया कंटिन्यूस हो जाएगा। अब लिमिट निकालते समय ये देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखना जरूरी है कि लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट करने के लिए LHL और RHL की जरूरत होता है तो यहाँ तो पता ही चल रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन है तो एग्जिस्ट करेगा ही एग्जिस्ट क्या हुआ करेगा तो एग्जिस्ट का डायरेक्ट निकल गया ना। तो बस लिमिट जिसको अच्छे से पकड़ में आ गया कोई भी फंक्शन है दुनिया का सबका चेक हो जाएगा कि कंटिन्यूस है या नहीं कोई दिक्कत नहीं आता ठीक है। नेक्स्ट लिखिए अगला एग्जाम्पल देते हैं एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। दो नंबर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू जीरो पर किसका चेक करना है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ एक्स का कंसेप्ट जानते हैं क्या होता है इसको लिख सकते जो फंक्शन है यहाँ पे जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ क्या है इम्प्लाई इसको लिखिए एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होगा जब एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या रहेगा जीरो और फिर जीरो होगा जब एक्स इक्वल टू क्या रहेगा जीरो। इसी फंक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है मोडस फंक्शन क्या लिखेगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स नहीं एफ एक्स इक्वल टू एक्स है ना जब एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या रहेगा जीरो और ये जीरो होगा जब एक्स इक्वल टू क्या हो